तो यार अगर आप एक सुपर हीरो मूवी फैन हो तो आपने मार्वल एंड डीसी की मूवीज तो देखी होगी, मतलब दोनों स्टूडियो सुपर हीरो मूवीज जोनरा के एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मन हैं। पर अगर आपने दोनों की ही मूवीज देखी है तो आपने कभी ना कभी ये तो नोटिस किया ही होगा कि आखिर क्यों डीसी की लगभग मूवीज मार्वल के मुकाबले ज्यादा डार्क एंड सीरियस होती है। मतलब उनकी कुछ एक मूवीज लाइक शज़ाम को छोड़कर लगभग मूवीज इतनी ज्यादा डार्क एंड सीरियस होती है कि उनका डार्क टोन एंड सीरियसनेस कुछ पल के लिए ये भुला देता है कि हम असल में कोई मूवी देख रहे हैं। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप बैटमैन द डार्क नाइट को ले लो। मतलब यार वो मूवी कितनी ज्यादा डार्क एंड डिस्टर्बिंग थी ये तो शायद ही आपको बताने की जरूरत है। और ब्रूटैलिटी में भी डीसी पीछे नहीं है, मतलब कॉमिक्स तो कॉमिक्स मूवीज में भी। अब अगर आपने डीसी की सुसाइड स्क्वाड देखी है तो आपको पता ही होगा कि वो मूवी लिटरली कितनी ज्यादा ब्रूटल एंड डिस्टर्बिंग थी। पर भाई अगर बात करिए हमारे फेवरेट मार्वल की तो यार अब ये देखो। अब यार सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब मार्वल आखिर क्यों इतनी ज्यादा भाईयादगिरी कर रहा है, मतलब आखिर क्यों ये कॉमेडी के नाम पर अपने लेजेंडरी कैरेक्टर्स की इज्जत उतार रहा है। मतलब ठीक है कॉमेडी के लिए हमारे पीटर भाऊ एंड रॉकेट भाऊ है, पर यार अब थोर को ये नंगा नाचने जाने की क्या जरूरत थी। मतलब यार रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान थोर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने भी ये कहा कि मुझे थोर पसंद है क्योंकि वो कैरेक्टर बाकी सभी से बहुत ही ज्यादा अलग है। मतलब जो रोब हमने थोर की फर्स्ट मूवी में देखा क्रिस भैया भी उसी पर मर मिटे थे। पर आगे उन्होंने कहा कि अगर मार्वल ऐसे ही थोर के कैरेक्टर को बस एक मजाक बनाता रहा तो बस जल्दी ही मार्वल से रिसाइन कर देंगे। मतलब यार हम फैंस के साथ साथ एक्टर्स को भी ये मार्वल की वाहियातगिरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यार अब सवाल ये है कि आखिर मार्वल ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब आखिर क्यों ये आर रेटेड माल नहीं ला रहा है। तो देखो यार ये बात नहीं है कि मार्वल डार्क एंड सीरियस नहीं है, मतलब यार अगर आपने मार्वल की मार्वल जो मिस अंडरबुल क्रिस द मार्वल यूनिवर्स जैसी कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको ये तो पता ही होगा कि वो कॉमिक्स कितनी ज्यादा डार्क है, मतलब उनमें भर भर के खून खराबा एंड ब्रूटैलिटी है। तो यार अब सवाल ये कि आखिर मार्वल अपनी मूवीज को क्यों नहीं ज्यादा डार्क एंड सीरियस बना रहा है, मतलब मूवीज की वो क्यों मार रहा है। तो देखो यार मार्वल की मूवीज कैसी बनेगी इस पर पूरा कंट्रोल मार्वल का नहीं है। मतलब यार ये 2009 में डिज्नी ने मार्वल को पूरे $4 बिलियन का लालच देके खरीद लिया था, तो अब मार्वल कैसी मूवीज बनाएगा ये मार्वल नहीं बल्कि डिज्नी सोचेगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस बच्चे हैं, इसलिए हम उनके हिसाब से मूवीज बनाएंगे, मतलब नो ब्रूटैलिटी नो खून खराबा ओनली फेरी टेल्स। अबे साले मतलब यार आपको ये तो पता ही होगा कि डिज्नी की मूवीज कैसी होती है, मतलब नो डाउट कि उनकी मूवीज एकदम टॉप नॉच होती है, अब चाहे स्टोरी वाइज ले लो या फिर VFX एंड CGI के हिसाब से। पर यार डिज्नी की टारगेटेड ऑडियंस हमेशा से बच्चे रहे हैं, तो उनकी मूवीज भी कुछ उसी प्रकार की होती है, मतलब डार्कनेस एंड सीरियसनेस तो दूर दूर तक आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। तो अब कुछ इसी प्रकार डिज्नी मार्वल की मूवीज को भी बना रहा है जिसमें वो स्टोरी एंड अपने टॉप लेवल के VFX से मूवी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर बात आ जाती है हमारे पॉइंट नंबर 2 की, मतलब आखिर दोनों में से बेटर कौन है। तो देखो यार जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी दो कंडीशंस है। मतलब हाँ ये बात तो है कि डीसी मार्वल के मुकाबले ज्यादा डार्क एंड सीरियस है, मतलब मार्वल की ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि वो अपनी अडल्ट ऑडियंस के लिए ज्यादा आर रेटेड माल नहीं ला पा रहा है। पर यार डीसी के इतना ज्यादा डार्क एंड सीरियस होने का उनका एक बड़ा नुकसान भी है, मतलब डीसी ने अपने कुछ एक कैरेक्टर्स लाइक सुपरमैन एंड वंडर वुमन को इतना ज्यादा ओवर पावर दिखा रखा है कि अब उनके खुद के लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर इनका करे तो करे क्या। मतलब यार अब अगर डीसी अपनी कोई नई मूवी लाता है जिसमें कोई नए हीरो को किसी नए खतरे का सामना करना पड़ता है तो यार मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इतनी बड़ी मुश्किल के दौरान वंडर वुमन एंड सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स कहाँ थे। मतलब इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप हाल ही में आई ब्लैक एडम मूवी को ले लो। मतलब इस आंटी को ये पहले से पता था कि ये ब्लैक एडम कितना ज्यादा खतरनाक है, तो फिर आखिर इसने सुपरमैन को इसे रोकने के लिए क्यों नहीं बुलाया, मतलब वो तो इतनी ज्यादा तबाही भी नहीं मचने देता। अब ये तो कोई सेंस नहीं बनता है कि वो कहीं दूर था इसलिए उसे आने में देर हो गई और वो मूवी के लास्ट में आया, क्योंकि यार ये तो सबको पता है कि सुपरमैन लाइट की स्पीड के बराबर उड़ सकता है, तो फिर यार आखिर क्यों। अब यही चीज डीसी को भी फेस करनी पड़ रही है, मतलब कैरेक्टर्स को ज्यादा ओवर पावर दिखाना भी उनके लिए अब एक श्राप बन गया है। पर वहीं इसके मुकाबले अगर बात करें मार्वल की तो उन्होंने कैरेक्टर्स को इतने ज्यादा स्मार्टली तरीके से दिखाया है, लाइक मार्वल को पहले से पता था कि हमें सिविल वॉर मूवी करानी है तो उन्होंने दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स के ओरिजिन को पहले से ही कुछ इस तरह से दिखा रखा था कि आगे चलकर दिक्कत ना आए। जी हां गाइस मैं बात कर रहा हूं अपने हल्क एंड थोर की। मतलब सबको पहले से ही पता था कि थोर एक गॉड है जिसे इंसानों के
कामों से भी बड़े बड़े काम है। और वहीं अगर बात करें अपने हल्क धमाचोमैन की, तो भाई को पहले से ही सकार प्लेनेट पर भेज दिया गया था। अब चाहता तो मार्वल भी अपनी मूवीज में सेंट्री जैसे ओवर पावर कैरेक्टर्स को दिखा सकता था, पर मार्वल को पता था कि इससे फ्यूचर में दिक्कत होगी। मतलब शुरुआत में ही अगर उसने ओवर पावर कैरेक्टर्स दिखा दिए तो उनसे कहीं ना कहीं मार्वल के छोटे कैरेक्टर्स दब जाएंगे। मतलब अब आप ही सोचो कि एक के पास तो लिटरली गॉड लेवल की पावर है और दूसरा बस एक आम सा इंसान है, मतलब आप किसे ज्यादा पसंद करोगे। तो इसलिए मार्वल ने अपनी शुरुआत पहली सीढ़ी यानी छोटे कैरेक्टर्स लाइक आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका से की, जो ज्यादा ओवर पावर तो नहीं थे पर एक आम इंसान होने के कारण हम उनसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे। मतलब यार क्या कमाल के तरीके से मार्वल ने इन आम कैरेक्टर्स लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक विडो का एंड किया है। मतलब मार्वल अपनी मूवीज में ब्रूटैलिटी एंड खून खराबे से परे इसकी स्टोरी पर ज्यादा फोकस करता है, और यही कारण है कि मार्वल के स्मार्ट वर्क के चलते इनकी एवेंजर्स एंड गेम दुनिया की नंबर वन मूवी बन गई थी। तो यार ये बताने के लिए शायद इतना बहुत होगा कि मार्वल एंड डीसी में से कौन बेटर है, पर फिर भी यार दोनों में से आपको कौन ज्यादा बेटर लगता है, मार्वल या फिर डीसी? चलो मुझे कमेंट्स में बताओ। और बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यार अगर मार्वल एंड डीसी के डिटो कॉपी कैट कैरेक्टर्स पर एक वीडियो चाहते हो तो यार आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।